खबरीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र से है, जहां अमहा ग्राम निवासी राज बिहारी शर्मा का परिवार सड़क दुर्घटना का शिकार हुआ है। दरअसल इनका परिवार नोएडा के हरिद्वार बच्ची के मुंडन कराने के लिए गया था। मुंडन कराने के बाद लौटते समय मुजफ्फरनगर में इनके फोर व्हीलर गाड़ी पर ट्रेलर पलट गया, जिसमें राज बिहारी शर्मा की दो बहू बेटा और नातिन की दर्दनाक मौत हो गई। बेटा आशीष अवस्थी, उनकी पत्नी नुपुर अवस्थी, नातिन कश्वी की घटनास्थल पर मौत हो गई थी, जबकि बड़ी बहू ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी के बाद क्षेत्र में गम का माहौल निर्मित हो गया। आइए आपको सुनाते हैं पीड़ित परिवार का दर्द, जिन्होंने अपने बेटे, दो बहू और पोती को खो दिया है। आपका नाम क्या है? राज बिहारी शर्मा। वैसे अभी प्रेजेंट में रहते हो तो रीवा में है, लेकिन मेरा नेटिव प्लेस यहाँ पे है। ये 26 तारीख की बात है, हमारे बेटे और बहू लोग सब नोएडा से हरिद्वार गए थे। हरिद्वार में स्नान वगैरह करके छोटी वाली हमारी जो नातिन थी, नातिन का मुंडन करवा के और गंगा आरती हर की पौड़ी से देख के लौट रहे थे। रात को 8 बजे करीब नई मंडी थाना मुजफ्फरनगर में उनके गाड़ी के ऊपर दूसरा टिकर आके पलट गया रॉन्ग साइड से, और वहीं पे स्पॉट डेथ हमारी छोटी वाली बहू और नातिन और हमारे छोटे बेटे की हो गई। बड़े वाले बेटे को हमारी काफ़ी चोट लगी है और बड़ी वाली बहू भी हमारी मतलब घायल थी, काफ़ी सीरियस थी। उसको वहाँ से गाड़ी से निकाल के फिर वहाँ मेरठ मेडिकल हॉस्पिटल लाए। मेरठ मेडिकल हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते मेरी बड़ी वाली बहू की डेथ हो गई और मेरे बड़े वाले बेटे को फिर वहीं मेरठ मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती किए थे। मेरे को वहाँ पे जब ये घटना हुई तो वहाँ से पुलिस वाले हमको 8 बजे फ़ोन किए, उनका नाम लिए कि इन लोगों को आप जानते हैं क्या। मैं बोला हाँ, मेरे बेटे और बहू हैं। पुलिस वाले बताए कि आपकी बेटे और बहू की एक्सीडेंट में मतलब काफ़ी चोटें लगी हैं। बड़े वाले बहू की बताया कि इस मतलब काफ़ी सीरियस है, और छोटी हमारी जो नातिन कासवी थी, कासवी को बताया कि आपकी कासवी की मतलब डेथ हो चुकी है। क्या हाँ, मृतकों का नाम है, मेरे छोटे वाले छोटे बेटे का नाम आशीष अवस्थी, उनकी पत्नी नूपुर, और मेरी बड़ी वाली बहू रत्न प्रिया, और नातिन मेरी जो थी उसका नाम था कासवी अवस्थी। इन लोगों की मतलब वहीं पे डेथ हो गई, तीन लोगों की। तो उनका मेरठ मेडिकल मुजफ्फरनगर हॉस्पिटल में इनको एडमिट किए थे, वहीं पे इन लोगों को तीनों डेड बॉडी रखे थे, और बहू बड़ी वाली जो है तो उसको लेके मेडिकल हॉस्पिटल मेरठ लाए थे। नमस्कार, रीवा, मैं हूँ भानु पंडित और मैं हूँ अनीता भट्ट, और हमारे यहाँ आपके शहर रीवा 11 दिसंबर 2022 कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सुरों की महफिल सजाने, जिसका नाम है उड़ान शाम गजल, एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी आए वहाँ पे इस संगीत में शाम का हिस्सा बनने के लिए, और हम दोनों स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की तरफ से अनामिका शुक्ला जी का, जिन्होंने हमें रीवा शहर आमंत्रित किया। So, see you all there.